नमस्कार दोस्तों, आप ये जो इस पेशेंट का जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये पेशेंट आज से 2 महीना पहले मुझसे कंसल्ट किए थे। बेसिकली इनको यौन समस्या की प्रॉब्लम थी, इनका लिंग में तनाव की समस्या इनको थी, इसी के साथ इनका लिबिडो कम था, यानी मन में सेक्स के प्रति इच्छा वो बिल्कुल गायब सी हो चुका था। इसके अलावा ऑर्गेजम जो होता था वो क्लाइमेक्स पे वो रीच नहीं हो पाता था, यानी कहने का मतलब जो सीमन जब डिस्चार्ज होता था तो उस दौरान जो एक अच्छा अनुभूति होता है, जो प्लेजर मिलना चाहिए, वो इस पेशेंट को नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली इनको 3 समस्या है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम और ऑर्गेजम की प्रॉब्लम। तो इस पेशेंट को ये 3 समस्या को छोड़कर इनका अंदर शारीरिक तौर पे और कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ये जो पेशेंट है ये एक काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस एक पेशेंट है, यानी अपना सेहत का ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, नशा नहीं करते हैं, अच्छी तरह नींद लेते हैं और टाइम टू टाइम अपना ब्लड रिपोर्ट यानी बॉडी का चेकअप भी कराते हैं। तो इनका अंदर कोई शारीरिक तौर पे कोई समस्या नहीं थी। मैंने केस टेकिंग के दौरान मैंने बहुत सारे सवाल पूछा है, क्रॉस क्वेश्चन भी किया है, लेकिन इनका अंदर कोई समस्या मुझे नहीं दिखा। इस पेशेंट का एज है 54 ईयर्स और शादी इनका हो चुका है 25 ईयर्स इनका शादी हो चुका है। तो हो सकता है एज एक फैक्टर है, उम्र बढ़ने के कारण से चीज़ें कई बार डेवलप हो जाती है, चाहे आपका लाइफस्टाइल सही क्यों ना हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो गया है क्योंकि उनका एज 50 क्रॉस हो चुका है। तो अगर आपका एज 45 ईयर्स से 50 क्रॉस हो चुका है तो आपको एक बार, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि आपको एक बार सर्विसिंग कराना पड़ेगा। आप सर्विसिंग करा लो एक बार, किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाके आप ट्रीटमेंट करा लो, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर आपका अंदर शारीरिक तौर पर और कोई समस्या नहीं है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, फिर भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाइए, ट्रीटमेंट कराइए, कुछ महीना आपका प्रॉब्लम पूरी तरह जड़ से साफ हो जाएगा, जैसे कि इस पेशेंट का अंदर हुआ है। 2 ही महीने में इनका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन जब भी इस तरह का पेशेंट आपके पास आते हैं जो कि पूरी तरह फिजिकली फिट एंड फाइन है, उनका अंदर कोई प्रॉब्लम और नहीं है, सिर्फ एक दो सिम्टम है, एक दो प्रॉब्लम है, तो एक दो प्रॉब्लम के लिए वो आपके पास आए हुए हैं, तो इस तरह का पेशेंट का अंदर परफेक्ट मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग पॉलीक्रैश मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर पाते हैं इस तरह कंडीशन के अंदर, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैच करता हुआ पेशेंट का साथ दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारा पैथोलॉजी मैच नहीं करता है। तो हम लोग बड़ी पॉलीक्रैश रेमेडीज जो होती है, जैसे लाइकोपोडियम हो गया, अर्जेंटम नाइट्रिकम हो गया, सल्फर हो गया, सुराइनम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कॉस्टिकम हो गया, ये सब मेडिसिन हम लोग प्रेस्क्राइब नहीं कर पाते, क्योंकि अभी ये जो नाम मैंने बताया आपको ये बहुत ही बड़ी रेमेडीज है, पॉलीक्रश रेमेडीज है। तो इन मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है किसी पेशेंट के अंदर, तो इसका सिम्टम्स मैच होना बहुत ही जरूरी होता है। और इस तरह का पेशेंट जो आता है जो कि फिजिकली पूरी तरह फिट है, तो इसका दूसरा कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई कॉन्कॉमिटेंट्स नहीं है, कोई पिक्यूरस सिम्टम नहीं है, तो किस बेसिस पे आप प्रेस्क्राइब करेंगे। बट बीइंग ए क्लासिकल होम्योपैथ, बीइंग ए हैनमैनियन होम्योपैथ, वी होम्योपैथ्स वी हैव टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी। सिम्टम सिमिलैरिटी के साथ ही हमें मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा, बिना सिम्टम सिमिलैरिटी के साथ हम लोग कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हमें सिम्टम्स चाहिए होगा, सिम्टम्स कुछ ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो सिम्टम्स 1 या 2 या 3 ही सिम्टम क्यों ना, कम से कम 3 सिम्टम एक मेडिसिन का परमानेंटली मैच होना चाहिए, तभी जाके वो मेडिसिन हम लोग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब इस पेशेंट का अंदर हमें कोई एक पर्टिकुलर ड्रग पिक्चर हमें नहीं दिख रहा था, बड़ा मिक्स सिम्टम्स आ रहे थे, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग पॉलीक्रैश तो प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1-2 सिम्टम का ऊपर बेस करके लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करना, सल्फर प्रिस्क्राइब करना, फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब करना बड़ा ब्लंडर होगा, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन में हमेशा जो लोअर ग्रेड की जो मेडिसिन होती है, एग्नस कैस्टस हो गया, सिलेनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ऑनोस्मोडियम हो गया, तो इन मेडिसिन के बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन इन मेडिसिन को भी आपको सिम्टम सिमिलैरिटी के साथ ही देना, यानी कुछ ना कुछ सिम्टम्स के साथ ही आपको प्रेस्क्राइब करना है, ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया एग्नस कैस्टस, तुक्का मार दिया कैलाइडियम, नहीं। तो इस पेशेंट को मैं ऑनोस्मोडियम प्रेस्क्राइब किया हुआ था, ऑनोस्मोडियम 8 से 2 महीना पहले प्रेस्क्राइब किया था, थोड़ा हायर पोटेंस में प्रेस्क्राइब किया था, 10 mg/50 ml प्रेस्क्राइब किया था, इससे काफ़ी हद तक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ चुका है। ऑनोस्मोडियम बहुत बड़ी रेमेडी भी नहीं है और बहुत छोटी रेमेडी भी नहीं है, एक बीच का एक रेमेडी है। इसका साइन एंड सिम्टम्स मैच होने पे कुछ, इसका बहुत ज़्यादा सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन इसका 5-6 जो सिम्टम्स है अगर वो मैच हो जाता है पेशेंट का अंदर, तो काफ़ी हद तक अच्छा काम करती है। मैंने बहुत पेशेंट को ऑनोस्मोडियम प्रेस्क्राइब किया हुआ है, बहुत पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम को ठीक भी किया है ऑनोस्मोडियम से, तो बहुत अच्छा मेडिसिन है।
तो ऑनस्मोलिडियम ने इस पेशेंट को क्यों प्रिस्क्राइब किया था? तो पेशेंट का अंदर बिल्कुल लो लिबिडो हो चुका था, तो ऑनस्मोलिडियम लो लिबिडो की एक अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी परफॉर्मेंस एंजाइटी की इनका अंदर एक समस्या डेवलप हो चुका था, तो जो कि मानसिक है यानी साइकोसोमैटिक यानी मानसिक तौर पे ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ था, क्योंकि एक बार फेलियर हो चुके थे वाइफ के पास, तो वाइफ के पास फेलियर होने के बाद से इनका अंदर मन में डर बैठ गया था। तो साइकिक बात जब होती है यानी यौन समस्या को लेकर जब साइकिक बात होती है यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब होती है, तब हम लोग ऑनस्मोलिडियम के बारे में एक बार सोच सकते हैं, एक अच्छी मेडिसिन है। हालांकि और बहुत बड़ी रेमेडीज भी है, लेकिन एक छोटी मेडिसिन है। यहाँ सिम्टम्स अगर बड़ी मेडिसिन का ना करें तो छोटी मेडिसिन आप दे सकते हैं। लो लिबिडो में अच्छा काम करती है, साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी ऐसी कंडीशन, परफॉर्म करने से पहले आपको जब घबराहट होती है बेचैनी होती है, तो वहाँ पे ऑनस्मोलिडियम एक अच्छा मेडिसिन, वहाँ पे एक अच्छा काम करती है मेडिसिन। इसके अलावा टाइट जो क्लोथ्स होती है, जो कपड़ा होती है, ये इनको पहनना पसंद नहीं, इनको ढीला ढाला कपड़ा पहनना पसंद है। माइंड सिम्टम की अगर बात करें तो लॉस ऑफ मेमोरी इनका अंदर हो रहा था, इनको याददाश्त की थोड़ी सी कमी आ रही थी, ये ऑनस्मोलिडियम का अंदर पाया जाता है। मेमोरी लॉस थोड़ा सा हो जाता है, माइंड थोड़ा सा जो है वो डाइवर्टेड हो जाता है, कोई भी काम में मन नहीं लगता है, ये थोड़ा सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इनका अंदर ही प्रॉब्लम आया हुआ है। इसको छोड़कर पेशेंट को आइसक्रीम खाना और कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद है, जस्ट लाइक फॉस्फोरस। ये सिम्टम भी पेशेंट के अंदर मैच किया है। तो यही कुछ सिम्टम्स को देखते हुए पेशेंट को मैं ऑनस्मोलिडियम प्रिस्क्राइब किया था 1 mg और 10 mg में। इससे हुआ ये कि पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, लो ऑर्गेज्म की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सही हो चुका है। काफ़ी हद तक मतलब 80-85% इम्प्रूवमेंट हो चुका है। पेशेंट का फीडबैक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम यानी इस बार मैं पेशेंट को ऑनस्मोलिडियम 50 mg दूंगा और CM दूंगा, देखते हैं और कितना इम्प्रूवमेंट होता है। साथ में पेशेंट को मैं कुछ ऑक्सिलरी मेजर्स भी बताया हूँ, कुछ व्यायाम सिखा दिया हूँ, वो सब पेशेंट को मैं करने के लिए कहा हूँ। तो मेरा उम्मीद है कि इस बार का मेडिसिन खा के पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, केस क्लोज भी हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि कैसे किस प्रकार से मैं बड़ी रेमेडीज़ का सिलेक्शन ना करके छोटी रेमेडी से मैं पेशेंट के प्रॉब्लम को मैंने ठीक कर दिया है। क्योंकि बड़ी रेमेडी का सिलेक्शन इसलिए कर नहीं पाया क्योंकि प्रोमिनेंट सिम्टम, प्रॉपर सिम्टम मुझे मिले नहीं बड़ी रेमेडीज़ के लिए, तो मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर पाया। इसीलिए छोटी रेमेडीज़ के साथ में गया और प्रॉब्लम ठीक भी हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई में दे दूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।